शिव शंभू, ये देखो, ये रहा तुम्हारे भ्राता के हथियारे परशुराम का आश्रम। किंतु प्रतीत होता है वो इस समय आश्रम में नहीं है। तो फिर मैं इन शिष्यों को ही उठा लेता हूं। ठहरो। क्या हुआ? बताता हूं, देखो। ये क्या? वो पत्थर तो जलकर भस्म हो गया। इस आश्रम के द्वार पर एक दिव्य रेखा है। यदि तुम उसे पार करके उसके भीतर गए तो इसी प्रकार जलकर भस्म हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना होगा। अब मैं चलता हूं, यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता हुई तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं आ जाऊंगा। मेरे शत्रु के द्वार तक मुझे पहुंचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद कालने में। अब आगे का कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, तुम जा सकते हो। इनकी दृष्टि मुझ पर अवश्य ही पड़ेगी, मुझे बस उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। राजा मुलक, अब आप अपने नेत्र धीरे धीरे खोल सकते हैं। मैं देख सकता हूं, मैं पुनः देख सकता हूं। आप वैद्यराज है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यराज जी, आपने मेरे नेत्रों की ज्योति लौटा दी। धन्यवाद के पात्र तो परशुराम जी हैं, जो आपको हमारे पास यहाँ लेकर आए। मैं जानता हूँ, किंतु परशुराम जी है कहाँ? वो रहे प्रभु परशुराम। परशुराम जी, यदि आप ना होते तो मेरे नेत्रों की ज्योति कभी नहीं लौटती। आपको कोटि कोटि प्रणाम। राजन, उठिए। मनुष्य को सदैव अपने धर्म और कर्म का पालन करते रहना चाहिए। जी परशुराम जी, अब मैं शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परशुराम जी। मुखिया जी, शीघ्रता से चलिए। घाट केतु ने हमारी भूमि पर अधिकार कर लिया है। कौन सी भूमि? जहाँ कुंड बन गया है और अब उसमें जल भी है। कुंड? और हमारे गांव में कब कैसे बन गया? उससे पहले ये जानना आवश्यक है मुखिया जी कि ये घाट केतु है कौन और ये चाहता क्या। घाट केतु दूसरे गांव का मुखिया है प्रभु, बड़े उदंड स्वभाव का मनुष्य है वो। आज कई वर्षों के बाद हमारे क्षेत्र में आया है, चलिए देखते हैं। आइए। अरे मित्रों, वो देखो, स्वर्ण मृग। किंतु सोने का मृग हमारे क्षेत्र में आया कैसे? आया कैसे भी हो मित्रों, किंतु वो मृग आज से हमारे आश्रम में होगा। चलो पकड़ते हैं उसे। अरे नहीं नहीं रुको, यदि वो कोई मायावी असुर हुआ तो? स्मरण है ना पिछली बार क्या हुआ था? स्मरण तो है, किंतु किसी मायावी असुर को ये स्मरण नहीं कि हम किनके शिष्य हैं। हमारे पास भी गुरुदेव की सिखाई हुई एक से एक विद्याएं हैं। इसका अर्थ, यदि वो मायावी असुर हुआ भी तो भी कोई हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, और आज तक हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रयोग भी नहीं हुआ है, क्या कहते हो मित्रों? हाँ, चलो इस मृग को पकड़ते हैं।
इसी बहाने हमें ये भी ज्ञात होगा कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है। चलो चलो मित्रों। हाँ, चलो। बड़ा आया दूसरों को जल पिलाने वाला। ये स्थान मेरा है, यदि यहाँ से कुआं निकला है तो ये कुआं भी मेरा है। तू जा यहाँ से। क्या समस्या है आपकी? आप इस बालक के पीछे क्यों पड़े? समस्या है ये मूर्ख विच्छित युवक जो वर्षों से मेरे स्थान पर खुदाई कर रहा है। यदि ये वर्षों से यहाँ खुदाई कर रहा है फिर तो ये कुआं इसका हुआ ना? नहीं नहीं, तेरा भी नहीं। तो क्या आपका हुआ? वैसे महोदय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि ये कुआं किसका है। महत्वपूर्ण ये है कि इस कुएं का कौन क्या उपयोग करना चाहता है। तुम बताओ क्या करना चाहते हो इस कुएं के साथ? मैं लोगों को जल पिलाना चाहता हूं, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। मेरी माँ की भी यही इच्छा थी। और आप बताइए महोदय। अब मैं इसकी भांति मूर्ख नहीं हूं, मैं इस कुएं के जल को इसी गांव में विक्रय करूंगा और इस जल को बेच के धनी बन जाऊंगा। किंतु हमारे मध्य में बोलने वाले तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, ये स्थान मेरा है। इस कुएं को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। किंतु इस बालक के परिश्रम का अर्थ क्या? ये तो सालों से कुआं खोद रहा है। अच्छा है, इस युवक को कुछ धन देकर पीछा छुड़ाता हूँ। बाद में इसी जगह बड़ा कुआं बनवा कर इसी गांव को 4 गुने मूल पर जल बेचकर इन्हीं से धन वसूल लूंगा। ठीक है, मैं इसके बदले में इसको 1 थैली धन दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद ये वापस नहीं आएगा। किंतु मुझे धन नहीं चाहिए। समझ गया, तुमको और धन चाहिए। तो बताओ युवक, तुम्हें कितना धन और चाहिए? कहा ना मुझे धन नहीं चाहिए। मैं यहाँ कुआं बनाकर लोगों को जल पिलाना चाहता हूँ। बालक, तुम हमारे लिए इतना सोचते हो, हमें तो पता ही नहीं था। हम व्यर्थी तुम्हें मूर्ख समझ रहे। समझते क्या रहे, ये अभी भी निरा मूर्ख है। ये क्या कुआं खोदेगा, क्या पानी निकालेगा? यदि तू मूर्ख है तो है, असला मूर्ख ही रहेगा तू। देखिए, मैं इसको धन दे रहा हूँ, दुगना धन भी दे रहा हूँ, लेकिन ये ले नहीं रहा है, इसको जल चाहिए। कहा ना मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पुण्य कमाना है। इससे मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा पुण्य जिससे बड़ा संसार में कोई धन नहीं होगा। पुण्य और धन से बड़ा। ठीक है बालक, क्या तुम इस बात को सबके समक्ष प्रमाणित कर सकते हो? अवश्य मैं प्रमाणित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक बड़ी सी तुला और एक लोटे की आवश्यकता होगी। मुखिया जी। जी, आप ये दोनों वस्तुएं इस बालक को उपलब्ध कराइए। जो आज्ञा प्रभु। अकस्मात ये स्वर्ण मृग कहाँ चला गया? प्रतीत होता है उस ओर गया होगा। नहीं नहीं, इस ओर गया होगा मित्र। एक कार्य करते हैं, हम उस मृग को अलग अलग ढूंढते हैं और जिसे भी वो मृग पहले मिली वो यहीं आके मिलेगा। उचित है, तो सब लोग अलग अलग जाओ। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अब देखना बालकों की कैसे मैं तुम्हारा आखेट करता हूँ। तुम्हारी दोनों सामग्री आ गई हैं युवक। Thank you.
श्री हरि नारायण नमः। अब आप अपना धन तुला के दूसरे पलड़े में रख दीजिए। तुम अपने जल की तुलना मेरे एक थैली धन से करके क्यों हंसी का पात्र बनना चाहते हो? ठीक है, मैं अपने धन की ये थैली तुला के दूसरे पलड़े पे रखता हूं। अद्भुत, ये तो चमत्कार है। तो इससे प्रमाणित होता है कि निस्वार्थ मन से की हुई सेवा को अपार धन भी नहीं झुका सकता। बालक, मुझको क्षमा कर दो, तुमने मुझे पराजित कर दिया। किंतु तुमने ये सब किया कैसे? और तुम्हें विश्वास था कि तुम विजयी हो जाओगे? जहां प्रभु स्वयं उपस्थित हो, उनके रहते हुए उनके भक्त पर आंच कैसे आ सकती है? प्रभु? हाँ, भगवान परशुराम। मैं भगवान परशुराम को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। वर्षों के पश्चात आप मुझे भूलोक का भ्रमण कराने लाए हैं, कोई विशेष बात स्वामी? कोई विशेष बात नहीं देवी, बस आज हमारा मन किया कि आपको भूलोक का भ्रमण करवाया जाए, इसलिए हम आपको लेकर आ गए। ये तो देवी पार्वती की मूर्ति प्रतीत होती है। किसने बनाई इतनी सुंदर मूर्ति? माता पार्वती की मूर्ति प्रभु महादेव के अलावा और कौन बना सकता है देवी? स्वामी, फिर आप भी मेरे लिए ऐसी मूर्ति बना दीजिए। किंतु ये मेरे लिए असंभव है देवी, क्योंकि ये मूर्ति प्रभु महादेव ने बनाई है। तो स्वामी,
महादेव ने इस सृष्टि में जितनी भी रचनाएं की हैं, उन्हें दोबारा बनाना असंभव है क्या? नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। कल्याण हो। देवऋषि नारद को देवराज इंद्र का प्रणाम। कल्याण हो देवेंद्र। हाँ देवी, असंभव तो है। जैसे परशुराम के परशु का ना तो कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। मेरे कहने का तात्पर्य ये है देवेंद्र, जब से महादेव ने अपने परम शिष्य परशुराम को परशु प्रदान किया है, उनकी ख्याति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ देव, अभी अभी मैंने उन्हें त्रिशंकु पर्वत पर देखा, वहाँ के वनवासी उनकी जय जयकार करते नहीं थक रहे थे। अवश्य परशुराम ने अपने परशु से कोई जन कल्याण कार्य किया होगा। नारायण नारायण। परशुराम के परशु में ऐसी क्या विशेष बात है देवर्षि? विशेष है तभी तो कह रहा हूँ देवेंद्र, यदि आप चाहें तो उस परशु की शक्ति को परख भी सकते हैं। नारायण नारायण। अकस्मत ये विद्युत कैसे गिर रही है? कदाचित कोई नवीन संकट आने वाला है हम पर। जहाँ भगवान परशुराम उपस्थित हो वहाँ भला संकट कैसे आ सकता है? भगवान परशुराम की। नारायण नारायण। ये हम कौन से स्थान पर आ गए मित्रों, और हमें इस प्रकार छल से बंदी क्यों बनाया गया है? उसने हमें एक क्षण भी अवसर नहीं दिया और पीछे से हमें पकड़ लिया, और उसने हमें अपनी विद्या दिखाने का भी समय नहीं दिया। हाँ, हम में से उसका मुख किसी ने भी नहीं देखा, जिसका अर्थ ये है कि वो कोई साधारण असुर नहीं होगा। मित्रों वो देखो, मित्रों ये स्वर्ण मृग यहाँ कैसे? कहीं ये हिरन ही। अनुमान और ज्ञान दोनों ही सटीक है तुम लोगों का, किंतु इसके बदले जो पुरस्कार तुम लोगों को मिलेगा, मुझे खेद है वो पुरस्कार केवल परशुराम ही देख पाएंगे। कहना क्या चाहते हो तुम? जिस तरह तुम्हारे गुरुदेव परशुराम ने मेरे भ्राता फरार असुर का वध किया है, ठीक उसी तरह मैं भी तुम लोगों का एक एक करके वध कर तुम्हारे शीश तुम्हारे गुरुदेव परशुराम को भेंट करूंगा। तो बोलो, सबसे पहले कौन अपना शीश दान करने को तैयार है? Thank you.
परशुराम के शिष्यों से पूछ रहे हो कि प्रथम शिष्य कौन देगा? मूर्ख, हम जीवन और मृत्यु को एक साथ पालने पर रख के चलने वाले साधक हैं। हमारे लिए जीवन और मृत्यु में कोई भेदभाव नहीं, इसलिए तुम चाहो तो हम में से किसी का भी शीश काट सकते हो, किंतु एक बात का ध्यान रखना, हमारा शीश गुरुदेव के पास भेजने की कदापि भूल ना करना, अन्यथा तुम्हारा शीश भी तुम्हारे भ्राता के शीश के भांति मिट्टी में मिल जाएगा। इक्कीस बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने वाले महाबली महाप्रतापी दिव्य परशु धारक परशुराम जी, केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु तुम्हारे संपूर्ण असुर कुल का ही संहार कर देंगे। हिरण्यासुर का उपहास करते हो? अब दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम लोगों का एक एक करके नहीं अपितु एक साथ शीश काटूंगा।